हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज हमारा जो करंट अफेयर का ये फोर्थ लेक्चर है, करंट अफेयर की फोर्थ क्लास है, मतलब आज फोर्थ डे है। और थर्ड डे में जो लास्ट क्लास थी, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने देख लिए ठीक है, जिन्होंने पहली एक दो क्लासेस नहीं देखी हैं, एक दो तीन, वो जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वो देख सकते हैं। तीसरी क्लास में मैंने थोड़ा सा बच्चों को मतलब कि थोड़ा सा गुस्से में बोला था कि अगर आपको नहीं देखना है ये करंट अफेयर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं किसके लिए, आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आ रही है चीजें तो भी इसको लाइक किया करो, मुझे बताओ कमेंट करके कि ठीक है सर, आपकी जो है वीडियो से हमें फायदा हो रहा है, हम देख रहे हैं, हमें पसंद आ रही है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट करने के लिए, वो क्वेश्चन का कमेंट में आंसर किया करो। तो उसके बाद मैंने ये बीच में एक या दो दिन का गैप ले लिया था, यहाँ पर वीडियोज बंद कर दी थी, लेकिन स्टूडेंट्स के मैसेज फोन आए थे, काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो अब मैं सभी के लिए क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। सभी क्लासेस यहाँ पर जो है करंट अफेयर से रिलेटेड फ्री रहेंगी। तो आप ध्यान रखना, करंट अफेयर की क्लास डेली होगी और आपको मोस्ट प्रोबेबली दो लेक्चर्स मिलेंगे, नहीं तो एक तो दिन में मिलेगा ही मिलेगा। टोटल 60 क्लासेस मिलेंगी आपको, 60 क्लासेस, ठीक है? फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, 60 क्लासेस मिलेंगी, 1200 क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और ये याद करने हैं। इनमें से आपको जो है पेपर में मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा एक या दो मास्टर क्लासेस अरेंज करवा दूंगा जो इन 1200 क्वेश्चंस के अलावा होंगी। एक या दो मास्टर क्लासेस उसमें क्या करवाएंगे, जो इनमें कवर नहीं हो पाएगा। मान लो कुछ टॉपिक्स इनमें 1200 में कवर नहीं हो पाए, तो एक या दो जो मास्टर क्लासेस रहेंगी उसमें आपको जो है वो भी चीजें कवर हो जाएंगी। करंट अफेयर में आपको चिंता नहीं करनी है, बस अगर आप ये क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे हरियाणा सिविल सर्विस प्रीलिम्स है, चाहे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, चाहे HSSCET का भी प्रीलिम्स पेपर है, क्योंकि उसके बाद दूसरा पेपर भी होना है, चाहे पंजाब के जितने भी पेपर आ रहे हैं, आपको करंट अफेयर की क्लासेस से जरूर फायदा होगा। और मेनली ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए 60 डेज टारगेट है, क्योंकि 60 डेज के बाद जो है स्टडी मास्टर करंट अफेयर की क्लासेस बंद कर देगा, फिर यहाँ पर फ्री क्लासेस करंट अफेयर की नहीं रहेंगी। और HTS के साथ साथ आप लोगों को भी फायदा, तो आप लोग भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर हाउ मेनी डेज योगा महोत्सव 2022 कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड। तो कितने दिनों के लिए योग महोत्सव 2022 का अभियान चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आंसर देने से पहले एक क्वेश्चन है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है, योग दिवस या योगा डे कब मनाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा, मैं योग दिवस करवाऊंगा, इसके बारे में इसकी जो थीम होगी वो भी आपको करवाऊंगा, क्योंकि तो जब तक आपके जो 1200 क्वेश्चन होंगे और 60 क्लासेस होंगी, ये सारी चीजें अभी आ चुकी होंगी, तो कवर हो जाएंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो टोटल 100 डेज का कैंपेन है योगा महोत्सव 2022 के लिए, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हेल्ड इन 2022। तो 2022 में 2+2 जो है भारत और अमेरिका की वार्ता है, मंत्री स्तरीय जो संवाद या वार्ता है, उसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण हुआ है, कौन सा एडिशन है। तो ये फोर्थ एडिशन है, और ये कहां पर अभी संपन्न हुआ है संस्करण, ये वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन सिटी के अंदर ये हुई है मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोक ब्रोक इज ए लिंगुआ फ्रैंका इन विच इंडियन स्टेट। तो भाई ये कोक ब्रोक है, कोक ब्रोक भारत के किस राज्य में एक लिंगुआ फ्रैंका है। अब क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन है, तो फिर आप क्या है? या तो तुक्का मारेंगे, तुक्का मारेंगे तो पक्का गलत हो जाएगा। तो पहले तो पता देखिए कि लिंगुआ फ्रैंका है क्या। तो ये एक लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज किस स्टेट से संबंधित है, अब इतना ही याद रखना है। अब ये तो समझ आ गया कि लिंगुआ फ्रैंका है क्या, एक लैंग्वेज है, और कोक ब्रोक क्या है, कोक ब्रोक इसकी भी लिपि है, इसकी स्क्रिप्ट है जिसमें ये लैंग्वेज लिखी जाती है। लिंगुआ फ्रैंका जो कोक ब्रोक जो लिखी जाती है, इसको आपको पता है हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, आपको इस चीजों के बारे में पता है, हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। तो इस तरह से ये लिखी जाती है, तो इस तरह ये जो लिंगुआ फ्रेंका है ये कोक ब्रोक लिपि में लिखी जाती है। हालांकि मुझे लिखनी नहीं आती है, नहीं तो मैं आपको लिख के ये भी दिखा देता, अब हिंदी और पंजाबी मुझे आती तो मैंने लिख के आपको दिखा दिया। तो अब इसका संबंध किस राज्य से, अभी न्यूज में है तो इसका संबंध पूछा जा सकता है, तो त्रिपुरा में। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली जो है स्टेट पीसीएस या फिर आजकल जो एग्जाम्स का ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चन उठा के आपको कोई मतलब कि काफी जो है हमारे हमारे ही लाइन के काफी लोग क्या करते हैं, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, अप्रैल महीने से 1000 क्वेश्चन हो गए, अप्रैल महीने से 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई उस बंदे ने तो करवा दिए, आपने तो 500 करवा दिए। जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, जिसने याद करने, वो स्टूडेंट कैसे याद करेगा भाई? 500 अप्रैल मंथ के करवा दो, 500 जनवरी, 500 हर एक मंथ के 500 क्वेश्चन करवा दो। आपने तो उसको 5000 क्वेश्चन पकड़ा दिए लास्ट एक साल के, तो क्या वो याद कर पाएगा 5000 क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चन एक आधा याद होना है वो भी नहीं होगा, और वो भी कंफ्यूजन के मारे गलत हो जाएगा कि मैंने पढ़ा तो हुआ है लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो इन सब जो है ये बेवकूफियों से बचो, जितना हो सके बचो, लिमिटेड पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो और उसको याद रखो, उसको रिवाइज करते रहो, तो आपके सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। एज पर सेबी, SEBI, तो सेबी की फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके मुझे बता दो, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके जो इकोनॉमी चैप्टर्स में सेबी के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है, तो पढ़ लेना जाके सेबी के बारे में। मैं डेली आपको करंट अफेयर की क्लास में ये भी बताता हूँ कि आपने क्या जाके पढ़ना है, सेबी के बारे में पढ़ लो और मुझे बताओ कि क्या आपको ये हेल्प कर रहा है जो मैं बताता हूँ कि सर, हाँ सर हमें हेल्प हो रही है, कि जिस तरह मैं बोलता हूँ कि सेबी के बारे में जाके पढ़ लो या और जो भी चीजें होती है, मैं आपको बीच में कोई टॉपिक आ जाता है तो कहता हूँ कि ये जाके पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई। वट इज द टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग आफ्टर क्लोजर ऑफ इशू REIT एंड INVIT यूनिट्स? तो सेबी के अनुसार REIT और इनविट इकाइयों के जारी होने के बंद होने के बाद आवंटन और लिस्टिंग के लिए समय सीमा कितने दिन है? तो भाई ये क्वेश्चन जो है 6 दिन यहाँ पर है, लेकिन आपके जो है प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, आपको सेबी के बारे में आ सकता है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सेबी स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये पूछा जा सकता है। ये 6-10 दिन वाला ये आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, तो सेबी जरूरी है तो सेबी के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वन द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? ये भाई सदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने, मतलब वो तो एक मजाक है कि सदी का, लेकिन ये इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसके बारे में कुछ पूछा गया था, शायद ये क्वेश्चन तो ना पूछा गया हो। विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वॉन द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जीता है? तो भाई अटल सुरंग, अटल टनल ने जो है इसके बारे में, ये इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का जो है खिताब है, बेस्ट प्रोजेक्ट का खिताब है, ये जीता है। अब अटल सुरंग से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक छोटा सा काम और कर लेना, गूगल पे जाके ना भाई अटल सुरंग सर्च कर लेना, वैसे तो काफी लोगों ने अटल टनल सर्च करके देखा होगा, लेकिन अटल टनल जाके सर्च कर लेना, इसकी इमेजेस देख लेना, आपको होगा कि ठीक है भारत में भी काफी चीजें हैं जो देखने योग्य हैं जो आपने नहीं देखी है। तो अटल टनल के बारे में अगर कोई वैसे गया हो जिसने देखी हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं जा पाया तो एग्जाम के बाद देख लेना, नहीं तो गूगल कर लो भाई, सबसे अच्छी चीज है, घर बैठे ना कोई पैसा ना कोई खर्चा और सारी चीजें देखी दिखाई। ठीक, तो अटल टनल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है देख लीजिए। पहला, अटल टनल जो है किस पास पे बनी हुई है? तो रोहतांग पास। ठीक है, अटल टनल रोहतांग पास में बनी हुई है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया और 21 के पेपर्स में पूछा गया, शायद आगे भी पूछा जाए, कि यह किस श्रेणी के अंदर, किस श्रेणी में आती, किस पर्वतीय श्रेणी के अंदर है? तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल के ईस्टर्न साइड पे है, पीर पंजाल के ईस्टर्न साइड पे बनी हुई है ये अटल टनल। ठीक है, ईस्टर्न साइड, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पीर पंजाल के किस साइड पे, ईस्ट पे, वेस्ट पे, नॉर्थ पे, साउथ पे? तो ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल, तो उस समय स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं था, ये क्वेश्चन याद रख लेना। और एक और चीज है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें डायरेक्ट PDF प्रोवाइड करा दो, तो बच्चों जो PDF प्रोवाइड होती है उसमें ये जो सारी चीजें मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ ये चीजें उसमें नहीं दी होती है, PDF में क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है। हालांकि PDF रिविजन पर्पजेस के लिए बेस्ट चीज है कि रिविजन करो, PDF आपको जो है प्रोवाइड हो जाएंगी, वो सात जो है एक बार क्वेश्चन हो जाए, अभी तो 20-20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाए आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन इस तरह से लेक्चर जरूर देखा करो, डेली 20-20 क्वेश्चन है, मॉर्निंग इवनिंग 40 क्वेश्चन तो आप याद कर सकते हो, इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अटल सुरंग याद हो गया आपको, और अटल टनल जो 2008 में बनना स्टार्ट हुआ था 2020 में बनकर ये कंप्लीट हो गया था, ये भी पूछा जाए तो देख लेना शायद। और इसकी अटल टनल की लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो इतने क्वेश्चन अटल टनल से बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2022?
2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस का विषय क्या है? स्मृति, गरिमा और न्याय, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। याद रहेगा आपको। और एक आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं, इसे कमेंट करके बताइए। पहले ये बताओ कि जब लागू हुआ था संविधान तब कितने थे और प्रेजेंट टाइम पे कितने शेड्यूल हैं। आपके लिए छोटा छोटा जो है होमवर्क में आपको देता रहूंगा ताकि आपके मैक्सिमम रिविजन होती रहे चीजों की, आपको जो है पेपर में ऐसा कुछ ना लगे कि ये कुछ बाहर से आ गया, मैंने पढ़ा नहीं हो या मैंने देखा नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन बिग सिटीज फर्स्ट इन 2022? तो निम्नलिखित में से किस विभाग ने 2022 में सबसे पहले बड़े शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5G सेवाएं तो टेलीकम्युनिकेशन है, लेकिन जब जब आप लोग ज्यादा कुछ पढ़ लेते हैं तो फिर ये होता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट भी तो हो सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी तो कह सकता है कि हम 5G सर्विसेज जो है लॉन्च कर रहे हैं फटाफट से। तो इसका आंसर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इन्होंने 5G सेवाएं बड़े बड़े कुछ सिटीज हैं उन्होंने बताए हैं तो उनमें शुरू करने की बात कही गई है, तो दूर संचार विभाग याद रख लेना। विच स्टेट यूपी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी टू ओनली दोज हु आस्क फॉर इट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022? तो अक्टूबर 1, 2022 से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सिर्फ मांगने वालों को ही बिजली सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो भाई ये फैसला दिल्ली सरकार ने किया है कि अगर कोई कहेगा मुझे सब्सिडी चाहिए तो ही उसको सब्सिडी दीजिए, कि कोई सब्सिडी छोड़ना चाहता है वो छोड़ भी सकता है। भाई भारत देश के लोग हैं, सब्सिडी कौन छोड़ना चाहेगा यहाँ पर? अगर 99% लोग हैं तो 100% लोगों में से 99% लोग सब्सिडी नहीं छोड़ना चाहते। 1% लोग हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब जिनके पास पैसा है, बहुत अधिक मनी है उनके पास, तो वो शायद छोड़ दें, अदरवाइज कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। बाकी अगर कैंपेन और अवेयरनेस से शायद कुछ हो सके, शायद कुछ बदलाव आ सके। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ डॉक्टर आफ्टर लाइसेंसेड एग्जाम? तो भाई किस संस्थान ने लाइसेंस परीक्षा के बाद डॉक्टरों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये चार ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं और इसका आंसर क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन। तो इन्होंने जो है एक मसौदा तैयार किया है रजिस्टर का, जो है डॉक्टरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर का मसौदा तैयार किया है लाइसेंस के लिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ एस्टेब्लिश ये पढ़ लेना, ठीक है? कहीं ये क्वेश्चन आ जाए और फिर कहीं के सर ने करवाया नहीं था तो थोड़ा सा खुद से मेहनत कर लो, बता दिया है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ SDF? तो SDF की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सा है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी, ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ये आपका जो लेक्चर है रिवीजन का, ये जो करंट अफेयर कम रिवीजन लेक्चर है, डेली आपको दो लेक्चर मिलेंगे मॉर्निंग और इवनिंग, तो भाई थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, अच्छे से चीजों को मैं आपको करवाऊंगा। तो इसका क्या आंसर है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये यूज कहां पर होता है? जब अर्थव्यवस्था में कैश ज्यादा हो जाता है, अर्थव्यवस्था के अंदर कैश मतलब पैसा बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको पैसे को वापस लेने के लिए, टू सकिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक से पैसा वापस लेगा, कमर्शियल बैंक जो लोन महंगे कर देंगे, लोग लोन ले नहीं पाएंगे, तो जो है अधिक पैसा, अधिक मनी जो मार्केट में होगी वो वापस RBI के पास चली जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, इससे काफी चीजें कंट्रोल है। तो ये एक टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसलिए इसकी फुल फॉर्म इस तरह से पूछी जा सकती है, ध्यान रहेगा आपको। विच इंस्टीट्यूशन स्क्रैप द चार्जेस लेवाइज्ड ऑन USSD मैसेजेस? किस संस्थान ने USSD के संदेशों पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है? तो भाई शुल्क लगाता कौन है? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1997 में। पता होना चाहिए कि ये इस USSD के मैसेजेस आते हैं तो ट्राई उस पर जो है पहले चार्ज लगाता था, लेकिन अब कोई चार्ज नहीं है तो उसको समाप्त कर दिया गया है। ट्राई की फुल फॉर्म बता दी है, कब स्टैब्लिश हुआ ये देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको लगता है कि ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मुझे भी पता ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर क्या लिख देगा आपको? RBI, TRAI, SEBI, तो तीनों में लिख जाएगा यहाँ पर RBI 1935, 1998 और 1992, इनमें से कौन सा गलत है? अब आपको क्या होगा, आपने मान लो ये ट्राई नहीं पढ़ा हुआ,
तो आपने सोचा कि आरबीआई भी ठीक है, सेबी भी ठीक दिया है, शायद ट्राई का भी ठीक दिया, तो आपको तीनों ठीक है तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये छोटी मोटी चीजें जो आपको 0.25 लोगों से आगे, ये तो एक नेगेटिव मार्किंग बच गई, लोगों से आगे लेके जाएगा। इसलिए स्टडी मास्टर के लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको हर एक चीज करवाई जाती है। तो यहाँ पर 1997 सर्च कर लो और चीजों को समझा करो, मेरे कहने का तात्पर्य समझा करो। काफी स्टूडेंट्स घर बैठे सक्सेस हो गए हैं स्टडी मास्टर के जो है प्रोग्राम्स के थ्रू। सिर्फ कुछ फ्री प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो अभी तो ये फ्री प्रोग्राम है आपके लिए, प्रीलिम्स प्रोग्राम, तो आप इसको कर लो ना। 60 दिन ही पढ़ना है, जो बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, प्री क्लियर होगा इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको चीजें नहीं याद तो फिर प्री क्लियर कैसे होगा। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द करप्शन फ्री ऐप 1064, तो किस स्टेट ने करप्शन फ्री ऐप जो है लॉन्च किया, तो ये उत्तराखंड ने किया। ठीक, याद रहेगा आपको उत्तराखंड। इससे पहले हरियाणा ने 112 जो है सेवा शुरू की थी, काफी चर्चा में रही थी, आपको पता है। पंजाब में चंडीगढ़ में 112 ये पहले ही शुरू की जा चुकी है, हरियाणा में अब हुई है। और करप्शन फ्री के लिए पंजाब ने एक नंबर भी जारी किया, पंजाब में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है करप्शन के लिए, कि कोई भी अगर मंत्री, कोई भी मंत्री छोड़ो, कोई भी अगर पैसा ले रहा है पंजाब में, गवर्नमेंट ऑफिशियल पंजाब में पैसा मांग रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है, तो उसका वीडियो बनाओ, उस नंबर पर सेंड करो और उसकी तो फिर टाइम टाइम फिश। इस तरह से करप्शन फ्री ऐप कहाँ की है, उत्तराखंड के अंदर है। किस राज्य, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माधवपुर मेला इज ए कल्चरल फेयर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो भाई माधवपुर मेला है, ये कल्चरल फेयर है, तो एक किस राज्य में, एक सांस्कृतिक मेला है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो माधवपुर मेले का संबंध गुजरात से है। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर, सबको पता होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब बेसिक चीजें भूल जाते हैं या उनको पता नहीं होता। अब जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि गुजरात का सीएम कौन है, आधे लोगों को पता होगा, आधे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो भाई पता होना चाहिए, भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार ऐसे जो सिली से क्वेश्चन, सिली मतलब छोटे छोटे मतलब बचकाने क्वेश्चन होते हैं, वो आपके या तो आपको आते नहीं होते, या तो आपको छोड़ने पड़ जाते हैं, या फिर तुक्का मारना पड़ता है, और तुक्का 100% गलत ही लगता है, बहुत कम चांसेस है कि तुक्का किसी का ठीक लगे। तो इस तरह से चीजों को रिवाइज करते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जैक हिगिंस हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो भाई ये राइटर थे, जैक हिगिंस नाम याद रख लेना, और ये लेखक थे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो भाई 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, राष्ट्रमंडल खेल होंगे, उनकी मेजबानी कौन करेगा, उनकी मेजबानी कौन करेगा भाई, ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा आपको। 2022 में भी तो खेल होने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होने, 26 के तो पता लग गया कि ऑस्ट्रेलिया है, 2022 की मेजबानी कौन करेगा, इंग्लैंड, कहां पर होंगे, बर्मिंगम में, याद रहेगा आपको। जुलाई और अगस्त में शेड्यूल किए गए हैं ये। आई होप आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि 2022 के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हैं, तो इंग्लैंड में वो होस्ट करेंगे, इंग्लैंड होस्ट करेगा उसको, बर्मिंगम में। और ये स्कीम भाई 2020 से बहुत चर्चा में है, और आज भी इससे क्वेश्चन बहुत पूछे थे, इस पे काम बहुत हो रहा है। स्वनिधि से समृद्धि स्कीम, इकोनॉमी में आपको करवाऊंगा अच्छे से, इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं जो है 8 बजे शाम को, 8 PM डेली क्लास होती है 8 बजे, तो वो भी देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास हो रहती है, आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन 8 बजे जो है वो पब्लिश हो जाती है क्लास। फर्स्ट क्लास आज हो चुकी है। स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ये एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। विच स्टेट मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज महेश नगर हॉल्ट। तो किस राज्य ने मियां का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है, ऐसा चेंज किसने किया, राजस्थान ने। विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2022 बाय डिफीटिंग बंगाल। तो बंगाल को हराकर किस स्टेट ने जो संतोष ट्रॉफी जो है जीत ली, किस राज्य ने जीती है, हेलो राइट आंसर, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, और केरला ने जीती है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2022 केरला ने जीती है। अब केरला की कैपिटल बताइए, केरला की कैपिटल कमेंट कीजिए, हिंदी में लिखते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा, इंग्लिश में तो लिख लेंगे आप लोग। और केरला के सीएम का क्या नाम है, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन नाम याद रख लेना, केरला के सीएम का नाम है। बंगाल को हराकर किस राज्य ने, ये तो हो गया भाई। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड
मुख्यमंत्री मितान योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज। किस राज्य ने 100 सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है भाई? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के बारे में पता होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल और छत्तीसगढ़ का सीएम। देख लेना, पता है तो कमेंट कर दो। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस टू बिल्ड ए स्टेडियम इन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा नेटिव विलेज। तो भी उनका जो पैतृक गांव था, किस राज्य के मंत्री ने, किस राज्य के सीएम ने, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता, नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? पता है आप लोगों को, हरियाणा से हैं। इनका जो है सिटी कौन सा है, इनके गांव का नाम क्या है? तो भी गांव का नाम है खंदरा, ऐसा कोई नाम है गांव का। और किस सिटी में है ये? पानीपत के अंदर है। और यहाँ पर जो है स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है, तो ये किसने अनाउंस किया है? हरियाणा के सीएम ने। अब हरियाणा के सीएम तो सबको पता है, ठीक है, हरियाणा का गवर्नर किस किस को पता है? फटाफट से कमेंट कर दो कि हरियाणा का गवर्नर कौन है। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद इनकी आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी हुई है कुछ क्वेश्चन की, और क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है बाइलिंगुअल। इस तरह से ये देखिए, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 6 चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए गए हैं इंग्लिश में प्लस हिंदी में। तो जैसे आपका पेपर होता है वैसे आपको सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर। प्रीलिम्स के लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है प्रीलिम्स के लिए, एचएसएससी सीईटी के लिए। कुछ भी चाहिए व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, बाकायदा आप इसमें इंटरेस्ट लेते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बढ़ चढ़कर हमारे साथ जुड़े रहें, और आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं चीजों को, अगर आपको याद होगी तो आपका एग्जाम 110% क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।